कई दिनों से यहाँ पर हालात जो है वो कह सकते हैं कि नासाजगार चल रहे हैं। उसमें कुलगाम में सबसे पहले जो अमवाते हुए उसमें 3 सिक्योरिटी एहलकार को मारा गया, उसके बाद आज सुबह यहाँ पर अनंतनाग में एक ग्रेनेड अटैक हुआ और उसके बाद यहाँ पर फ्रिस्किंग जो है उसमें तेजी लाई गई है। अगस्त 15 भी अब आने वाला है और इंडिपेंडेंस डे के पहले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर्च उसको इंटेंसीफाई किया जा रहा है। यहाँ पर राहगीरों को रोक कर उनकी तलाशियाँ की जा रही है, आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं, जबकि उनके स्कूटी और व्हीकल्स को भी चेक किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ये कार्रवाइयाँ की जा रही है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों को रोक कर उनकी तलाशियाँ की जा रही है। आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर जिस तरह से अभी सिचुएशन बनी हुई है उसमें कहीं एक ऐसे ताज़ा इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें कुलगाम के बाद कहीं एक ऐसे इंसिडेंट्स जो राजौरी में, अनंतनाग में और इस तरह के इंसिडेंट जो हुए उसके बाद यहाँ पर इस तरह के इंटेंसिफाई जो फ्रिस्किंग है वो उसमें लाई जा रही है। ये आप लाइव विजुअल्स यहाँ पर लाल चौक से देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं लाल चौक से विजुअल्स की यहाँ पर पूरी तरह से जो स्कूटर सवार है उनकी तलाशियाँ ली जा रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम बैग्स उनके चेक किए जा रहे हैं और उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके आई कार्ड्स के अलावा जामा तलाशी भी ली जा रही है। यहाँ पर 15 अगस्त से पहले यहाँ पर इस तरह के जो सर्चेस है वो किए जा रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि राहगीरों को रोक कर यहाँ पर उनकी तलाशियाँ, उनके बैग चेक किए जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ये कार्रवाइयाँ यहाँ पर शुरू की गई है, जबकि 15 अगस्त अब आने वाला है और 15 अगस्त से पहले यहाँ पर इस तरह की कार्रवाइयों में तेजी लाई जा रही है। और यहाँ पर हम आपको बताएं कि यहाँ पर IG जो CRPF है उन्होंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर जो इंटेंसिफाई सर्चेज है और नाके जो है उनको भी बढ़ाया जाएगा और उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की भी तलाशियाँ जो है पूरी तरह से ली जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लाल चौक से विजुअल्स आप देख रहे हैं जिसमें यहाँ पर जो राहगीर है उसमें ज़्यादातर स्कूटर सवारों को रोककर यहाँ पर उनकी तलाशियाँ ली जा रही है, जबकि 15 अगस्त से पहले इस तरह की कार्रवाइयों में और तेज़ी लाई जाएगी। और अभी कुछ देर पहले हमने IG CRPF से भी बात की थी, IG CRPF ने यहाँ पर कहा कि और ज़्यादा नाके जो है यहाँ पर बढ़ाए जाएंगे, उसमें यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की तरफ से कहीं एक ऐसे नाके बिठाए जाएंगे जहां पर इस तरह की तलाशियों का जो अभियान है वो शुरू किया जाएगा और उसमें हम बखूबी देख सकते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयां जो है उनमें तेज़ी लाई जा रही है और यहां पर आई कार्ड्स चेक करने के बाद ही यहां से लोगों को जाने की इजाज़त होती है। आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर स्कूटर सवारों को ही यहाँ पर रोका जा रहा है, अगरचे यहाँ पर सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और जो सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स व्हीकल्स यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस को दिए गए हैं उसके बाद यहाँ पर ये कार्रवाइयाँ जो है उन वो अमल में लाई जा रही है और पूरी तरह से यहाँ पर बैग जो है वो चेक किए जा रहे हैं, खंगाले जा रहे हैं और यहाँ पर पूरी तरह से लोगों को रोक कर ज़्यादातर जो स्कूटर सवार है उनको रोक कर यहाँ पर जो है उनकी तलाशियाँ ली जा रही है। आपको मैं बताऊँ कि यहाँ पर कहीं एक ऐसे इंसिडेंट्स भी पिछले कहीं एक दिनों से हो रहे हैं जिसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पर राजौरी में भी एक इन्फिल्ट्रेशन हुई, उसके बाद यहाँ पर कुलगाम में एक इंसिडेंट हुआ था, मिलिटेंट रिलेटेड जो एनकाउंटर है वो हुआ था, उसमें 3 सिक्योरिटी एहलकार को मारा गया था। उसके बाद यहाँ पर कई एक इन्फिल्ट्रेशन हुए जिसमें 3 मुख्तलिफ इन्फिल्ट्रेटर्स को मारा गया, लेकिन आज सुबह यहाँ पर अनंतनाग में भी एक ग्रेनेड अटैक हुआ जिसमें मामूली तौर पर 2 सिक्योरिटी एहलकारों के अलावा यहाँ पर सिविलियन भी जख्मी हुए हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस कोई भी चांस नहीं लेना चाहती है और पूरी तरह से आज से ही यहाँ पर इंटेंसिफाई इन सर्च ऑपरेशंस को किया गया है और पूरी तरह से यहाँ पर लोगों को, स्कूटर सवार को रोका जा रहा है। ये लाइव विजुअल्स आप यहाँ से देख रहे हैं।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्चेस जो फ्रिस्किंग है, हम कहेंगे कि यहाँ पर 15 अगस्त से पहले जो है उसमें तेजी लाई जा रही है। अब अगर चंद दिन ही रह गए जो यहाँ पर अभी जो 15 अगस्त यहाँ पर मनाया जाएगा, उससे पहले यहाँ पर पूरी तरह से सिक्योरिटी को बीफ अप किया जा रहा है, सिक्योरिटी को मजबूत किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइकिल सवार को भी रोका गया है, उसमें इनकी भी तलाशियाँ ली जा रही है, जबकि बैग्स को भी चेक किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उनको लेटेस्ट गैजेट्स के अलावा लेटेस्ट इक्विपमेंट्स वेपन्स दिए गए हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा मुस्तहक है। और उसमें पूरी तरह से आप देख सकते हैं लेटेस्ट जो गन्स गैजेट्स लेटेस्ट जो वेपन्स हैं उनको दिए गए हैं। उसमें यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है पूरी तरह से बिल्कुल सक्षम दिख रहे हैं। उससे पहले यहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि यहाँ पर 15 अगस्त से पहले इस तरह की कार्रवाइयों में अभी और तेज़ी लाई जाएगी। उसमें आईजी जो सीआरपीएफ है उन्होंने पहले ही हमसे बात करके कहा कि यहाँ पर और ज़्यादा नाके जो है वो बढ़ाए जाएंगे और उन नाकों में यहाँ पर अफसरान तैनात रहेंगे जो यहाँ पर पूरी तरह से निगरानी सिचुएशन को करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पर जगह जगह तैनात किया गया। उसमें यहाँ पर ज़्यादातर स्कूटर सवार जो है उनको रोक कर यहाँ पर तलाशियाँ ली जा रही है और उसमें यहाँ पर उनकी चेकिंग की जा रही है और साथ में उनके आई कार्ड्स और जो बैग्स हैं उनके खंगाले जाते हैं। पूरी तरह से चेक करने के बाद ही उनको इजाज़त होती है यहाँ से वो जाए। ये लाइव विजुअल्स आप यहाँ पर लाल चौक से देख रहे हैं, जो मौलाना आज़ाद रोड है वहाँ पर ये जो चेकिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। तो आपने देखा ये मौलाना आज़ाद रोड है और यहाँ पर अभी फ्रिस्किंग में इजाफा किया जा रहा है, यानी कि इंटेंसिफाई फ्रिस्किंग की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 15 अगस्त से पहले इस तरह के सर्चेस में जो है इजाफा किया जा रहा है और 15 अगस्त में अब चंद दिन रह गए हैं, उससे पहले यहाँ पर पूरी तरह से सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए जा रहे हैं। तो आपने देखा ये लाल चौक का एरिया है और लाल चौक में यहाँ पर इस तरह की फ्रिस्किंग जो है कल से ही हमने देखी। और यहाँ पर आपने देखा कि स्कूटर सवार और जो बाइकर्स हैं उनको रोककर यहाँ पर उनकी तलाशियाँ ली जा रही थी। और उसमें मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अभी भी ये चेकिंग जारी है, जबकि
इनके आई कार्ड्स, बैग्स और जो तमाम इनके बिलोंगिंग्स होते हैं उनको खंगाला जाता है, चेक किया जा रहा है। आपने देखा ये लाइव विजुअल्स यहाँ पर है, वो 15 अगस्त से पहले ये सर्चेज यहाँ पर बिल्कुल कंटिन्यू रहती है और उसके बाद यहाँ पर जो है 15 अगस्त के बाद फिर से इस तरह की कार्रवाइयों में नुमाया कमी देखने को मिलती है। लेकिन अभी ये लाल चौक श्रीनगर से ये विजुअल्स आप लाइव देख रहे हैं जहाँ पर ये फ्रिस्किंग में इजाफा किया गया और उसमें जगह जगह आप देख सकते हैं कि इस तरह की फ्रिस्किंग जो है वो यहाँ पर और नाके जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। प्रदोष लाई, जानन वानी, जेके न्यूज टुडे, श्रीनगर।